जय माता दी दोस्तों, आपका दोस्त मोहित राघव फिर आपकी सेवा में हाजिर है लेकर एक और मैच। और बात करेंगे किसकी? बात करेंगे जयपुर और गुजरात के बीच मैच की। जयपुर की किस्मत बल्ले बल्ले चल रही है, कभी कोई चल जाता है कभी कोई चल जाता है। अब तक रियान पराग की बात थी, अब जोस बटलर भी शतक मार के फॉर्म में आते दिख रहे हैं। संजू सैमसन दो अच्छी पारी खेल चुके हैं, तो बैटिंग का खासकर टॉप फोर में सिर्फ यशस्वी जायसवाल के बल्ले से बड़ा स्कोर आना बाकी है। बात करें अगर हम दूसरी तरफ गुजरात की, तो गुजरात को अब हार्दिक पांड्या की कमी साफ साफ खलती दिखाई दे रही है। पिछले कुछ मैचेस में गड़बड़ हुई है गुजरात के साथ, घर पे भी हारे और बाहर भी हारे, और जो एक बैलेंस गुजरात की टीम में दिखता था हार्दिक के रहते, अब नहीं दिख रहा। उमरजाई को बड़ी उम्मीदों से लाए थे कि भाई ये हार्दिक को रिप्लेस कर देंगे, और अकेले नहीं करेंगे तो विजय शंकर और उमरजाई दोनों मिलकर तो हार्दिक का काम कर ही देंगे। सच्चाई ये कि दोनों में से कोई भी न मिलके ना अलग अलग वो काम कर पा रहा है। तो अब आगे होने क्या जा रहा है, इस मैच में क्या हो सकता है, और क्या क्या कहानियां हैं, किन प्लेयर्स पे आपको नजर रखनी चाहिए, और क्या फैंटेसी टीम बनेगी, उसी चर्चा को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। थोड़ा पिच के बारे में बता दूं आपको, 3 मैच हुए हैं और मुझे लग रहा है कि किसी भी ग्राउंड पे इतनी कंसिस्टेंट तरीके से रन्स या विकेट्स नहीं गिरे हैं। 3 मैच हुए जिसमें 2 मैचों में 10-10 विकेट गिरे और 1 में 8, मतलब 8-10 में बहुत अंतर होता नहीं है। रन्स की जहां तक बात है तो 193 यहाँ हाईएस्ट है और 173 यहाँ लोएस्ट है इन 3 मैचेस में। तो आप ये समझिए कि 20 रन का गैप अगर दोनों पारियों में मिला के है, इसका मतलब है कि ना तो पिच बदलती है, जैसा फर्स्ट इनिंग खेलती है वैसा सेकेंड इनिंग खेलती है, ना बहुत विकेट गिरते हैं। तो कहने का मतलब ये ऑल इन ऑल कि अपने स्किल को सिर्फ अप्लाई करना है, ना यहाँ पे आपको स्विंग मिलने वाला है ना यहाँ पे टर्न आपको मिलने वाला है। ड्यू का भी कोई रीजन या सीजन नहीं है कि नहीं भाई ऐसा कुछ हो जाएगा है, और बल्लेबाजी से जो अपना स्किल अप्लाई कर पाएगा, एप्लीकेबिलिटी दिखाएगा, उसके लिए फिर आगे बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। गुजरात की जहां तक टीम की बात है तो पूरा बैलेंस जैसा मैंने पहले कहा बिगड़ा हुआ है, वो बैलेंस बनेगा कैसे? अब देखो गुजरात का मैनेजमेंट मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। नेहरा जी वहां हैं और बहुत सुलझे हुए हैं, बहुत गेम सेंस उनका चलता भी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि विजय शंकर को लेके क्यों कंसिस्टेंट है, और खासकर तब जब आप उनसे बॉलिंग नहीं करा रहे हो। एज ए बैटर विजय शंकर कैन नॉट नेवर बी ग्रेटर देन अभिनव मनोहर, ये हम सब जानते हैं, कभी भी वैल्यू लेके आ सकते हैं अभिनव मनोहर। और अगर आप डेविड मिलर को इन एक्सपेंस ऑफ केन विलियमसन बिठा रहे हैं एज ए बैटर, तो वो भी कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि विलियमसन से भी आपको बॉलिंग नहीं चाहिए, आप उनसे कैप्टनसी नहीं करा रहे हैं। मिलर जिस तरीके से T20 गेम को चला सकते हैं, ये ODI होता टेस्ट मैच होता मैं मान जाता, लेकिन T20 में जिस तरीके से मिलर गेम को चलाते हैं विलियमसन कभी नहीं चला सकते, हमको पता है। प्लस या फिर आपके पास हिटर्स होते और एंकर्स नहीं होते तो समझ में आता है, आपके पास गिल भी है, अब क्या है एंकर है, साई सुदर्शन एंकर है, टू मैनी एंकर्स वाह, तो ये भी है। हालांकि मैं एक भूल सुधार का इनके लिए एक खत लेकर आया हूं कि क्या क्या कर सकते हैं। पिछली 11 आपको दिख रही है आपकी स्क्रीन पे, अब इसमें क्या क्या बदलाव आप कर सकते हैं, तो 4 बदलाव मुझे लगता है कि होने चाहिए। केन विलियमसन जाने चाहिए बाहर, उनकी जगह कौन आएगा, केन की जगह आने चाहिए आपका डेविड मिलर, ठीक है। स्पेंसर जॉनसन बाहर बैठने चाहिए, और स्पेंसर जॉनसन बाहर बैठेंगे तो इनकी जगह कौन आएगा, इनकी जगह मेरे ख्याल में आने चाहिए मैथ्यू वेड। मैथ्यू वेड आ गए तो आपको फायदा क्या होगा, वो ओपन करेंगे, वो विकेट कीपिंग भी कर लेंगे, मतलब आपके पास DR शरत जो है वो स्पेस खाली हो गया। आप कहेंगे यार एक ही मैच तो दिया है ट्यूक्रल, लेकिन सच्चा ये कि BR शरत का जो स्किल सेट है जो हमने देखा है वो आपको T20 में बहुत वैल्यू लेकर नहीं आते हैं। रणजी के ही इज वेरी गुड प्लेयर, ODI में भी मैं कहूंगा ही इज वेरी गुड प्लेयर, लेकिन T20 क्रिकेट में थोड़ा सा उनके स्ट्राइक रेट के साथ इशू है। तो वी शरत वाला जो एक स्पॉट खाली होगा उसकी जगह आप अभिनव मनोहर को डाल दीजिए, राशिद को खिला सॉरी राहुल तेवतिया को खिलाइए या फिर खिलाइए शाहरुख खान को, चॉइस इज योर्स, दोनों लगभग सेम ही वैल्यू लेकर आते हैं। और एक स्पॉट जो और खाली हो रहा है उसकी जगह आप किसको लाएं, उनकी जगह लेकर आए कार्तिक त्यागी को, क्योंकि स्पेंसर जॉनसन के जाने के बाद आपके पास आपको पेसर चाहिए होगा, आपके पास उमेश यादव बचेंगे, आपके पास दर्शन नलगंडे बचेंगे, और आपके पास कौन बचेंगे, मोहित शर्मा, तो चौथा पेसर जो स्पेंसर जॉनसन की जगह चाहिए होगा वो आपको वो इंडियन लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 फॉरनर्स आपके हो गए, राशिद नूर वेड और मिलर। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि
कार्तिक त्यागी को डाली, और कार्तिक त्यागी जब लास्ट टाइम हैदराबाद के लिए बॉलिंग कर रहे थे, या इनफैक्ट यूपी के लिए भी करते हैं, 150 प्लस बॉलर है, कंट्रोल को लेकर इशू है उनके साथ, नो डाउट। उमरान मलिक की तरह के गेंदबाज हैं, स्पीड अच्छी है, लेकिन कंट्रोल पे थोड़ा सा कंसर्न है, मयंक यादव की तरह नहीं है, लेकिन अच्छा काम कर सकते हैं इस पिच पे, क्योंकि यहाँ स्विंग नहीं होगा तो बॉल हिलेगा बहुत ज्यादा नहीं, जब हिलेगा नहीं तो आप थोड़ा स्पीड के बेसिस पे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जहां आप टप्पा डालेंगे बॉल ऑलमोस्ट वहीं पे जाएगा, तो विकेट टू विकेट की लाइन पकड़ के आप अपने 4 ओवर निकाल सकते हैं, और जब आपके पास गति है और मिडिल ओवर्स में आप कर रहे हैं गेंदबाजी, तो फिर बहुत अच्छा काम आप कर सकते हो। तो ये मेरे हिसाब से 4 बदलाव होंगे, बैटिंग ऑर्डर भी फिर आपको समझ आ जाएगा कि वेड के साथ ओपनिंग कर रहे हैं कौन, सुमन गिल, तो वहां आपके पास हिटर हो गया, 3 नंबर पे सुदर्शन हो गए, 4 पे मिलर हो गए, 5 पे मनोहर हो गए, 6 7 पे फिर आपके साथ राहुल तेवतिया, राशिद खान, मैथ और ये दर्शन नलकंडे, उमेश यादव तक बल्लेबाजी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये कि नूर अहमद और कार्तिक त्यागी बचेंगे जो बल्ला नहीं चला सकते, वरना 9 नंबर तक बैटिंग हो जाएगी, तो टीम का बैलेंस बड़ा अच्छा हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम द फैंटेसी पर्सपेक्टिव, मैंने ये एक सॉल्यूशन निकाला कि कैसे गुजरात विदाउट हार्दिक कैन फाइंड द बैलेंस, तो ये था उसका तरीका। अब आ जाते हैं राजस्थान पे, तो राजस्थान की प्लेइंग 11 के बारे में बहुत आवश्यकता है नहीं बात करने की, क्योंकि सेटल्ड प्लेइंग 11 उनकी है, जो वो खेल रहे हैं वही एकादश उनकी लगातार खेल रही है, और वही खेलेगी भी, और खेलना भी चाहिए, क्योंकि जो चीज टूटी नहीं उसको फिर जोड़ना क्यों है ना, तो वही फिर वही ओपन, वही मिडिल ऑर्डर और वही बॉलर्स, और राजस्थान का तो कॉन्फिडेंस ही गजब है यार, मतलब पहले गेंदबाजी करते हैं तब छठा बॉलर यूज नहीं करते, वो कहते हैं हम तो 5 ही बल्ले, क्यों हमें छठा बॉलर यूज करना, हालांकि पिछले मैच में जब मार पिटाई हुई थी ना फाफ डू प्लेसिस, और कोहली ने मारा था तो रियान पराग को ले आए थे एक ओवर में, और रियान ने मौका बना दिया था, कमाल की बात क्या है, फाफ का उस मैच में उस ओवर में कैच छूट गया था, वरना रियान ने मौका तो बनाया था भाई साहब। तो ये लेखा जोखा है राजस्थान का, कोई बदलाव इनकी टीम में आप एक्सपेक्ट मत करिए। चलते हैं की प्लेयर्स पे, कौन से प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बड़ी बात है। तो भाई राजस्थान के लिए जो जॉस बटलर हैं, संजू सैमसन हैं, और रियान पराग हैं, 3 हो गए, चहल साहब 4, नांद्रे बर्गर 5, ट्रेंट बोल्ट पता नहीं थोड़ा ऑफ कलर लग रहे हैं इस बार ना, वो लेनी थी कि वानखेड़े में उनका पहला वाला वो मुंबई इंडियंस वाला अवतार आ गया था, लेकिन रेगुलरली नहीं हो रहा है, तो वहां थोड़ी से इशूज हैं। बाकी टॉप 4 में से 3 बैटर और 2 गेंदबाज मैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में काउंट कर रहा हूँ। उधर जाइए अगर गुजरात की तरफ, तो मोहित शर्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सुमन गिल, साई सुदर्शन को लगा लीजिए, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। राशिद खान भी अपनी मतलब रेपुटेशन के हिसाब से लिव अप टू नहीं कर पा रहे हैं, ये भी एक थोड़ा सा इशू है। ग्रैंड लीग प्लेयर्स की जहां तक बात है, तो ग्रैंड लीग में यशस्वी को कैप्टन बनाइए, क्योंकि सडनली उनका कैप्टनसी रेशियो डाउन हो गया है परफॉर्मेंस की वजह से, ट्रेंट बोल्ट को कैप्टनसी ट्राई कर सकते हैं, रवि अश्विन को बहुत कम लोग यहाँ लेकर जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 1 विकेट मिला है, और गुजरात के इस लाइनअप में बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं नहीं, और वैसे भी इस बार ये ट्रेंड चल नहीं रहा है कि जैसे लेफ्ट हैंडर आया उस तो ऑफ स्पिनर ले आओ, होगा ट्रेंड आएगा, ये आएगा जब लगभग आधा टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा उसके बाद, तो तब तक तो नहीं है, तो उस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और गुजरात की तरफ से एक बढ़िया एडिशन जो मुझे दिख रहा है, वो दिख रहा है दर्शन नलकंडे के रूप में, विकेट लेता लड़का, और पिछले मैच में 6 पे खिलाया, 22 रन बनाए 16 गेंदों पे, मतलब एबिलिटी है, तो अच्छा दे देगा आपको गेम का। और उमेश यादव को ध्यान रखिएगा, ये कुछ प्लेयर्स हैं तो ग्रैंड लीग में आपका काम कर सकते हैं। चलते हैं फैंटेसी की तरफ, तो मैं विजन लेवल पे खेलता हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप भी खेलिएगा, मेरे रेफरल कोड MS राघव से जाएंगे तो आपको मिलेगा 2,000 रुपये का फ्री गिव अवे इन एवरी मैच, और डिपॉजिट पे बहुत सारे ऑफर, तो आज ही खेलिए, 7, 4, 10, 1, 2 अलग अलग कैटेगरी हैं, तो आपको अपने कॉम्बिनेशन की चिंता नहीं करनी है कि यार मैं तो 5 बैटर लेके आ गया, सामने वाले के पास 5 बॉलर है, कैसे करूँ, 3 3 तो सबके पास रहेंगे। तो जो एक कह सकते हैं लॉस या विन का मार्जिन है वो कम हो जाएगा, रिस्क असेसमेंट हम इसको बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उस चीज के हिसाब से खेलिए भाई स्मॉल लीग, और ग्रैंड लीग तो ऑब्वियसली है ही है, बहुत बढ़िया है, बाकी आप जहां खेल रहे हैं वहां भी खेलते रहिएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा मैच की फाइनल टीम, फाइनल अपडेट के लिए टेलीग्राम पे जरूर जुड़े रहिएगा, अपना प्यार हमें हमेशा की तरह देते रहिएगा, क्योंकि उसकी बेहद आवश्यकता है, सपोर्ट देते रहिएगा, व्यूज थोड़े कम आ रहे हैं, और थोड़े नहीं बहुत कम आ रहे हैं, सही बता रहा हूँ, अपने आपको बहुत मोटिवेट करना पड़ता है मुझे आपके सामने वीडियो लाने के लिए, क्योंकि होमवर्क तो उतना ही करना पड़ता है, उसको चाहे 20 लोग देखें, चाहे 200 देखें, या 20,000 देखें, जिन लोगों को मिलियन व्यूज आ रहे हैं पेड चला के,
उनको भी उतनी मेहनत करनी पड़ रही है और मुझे भी मेहनत करनी पड़ रही है, बस फर्क इतना है कि मुझे सपोर्ट कम मिल रहा है। और आप ही लोग थे जिन्होंने यहाँ तक लाया भाई, ऐसे ही थोड़ी 38,000 सब्सक्राइबर हो गए, आप लोगों ने प्यार दिया, रिजल्ट भी आज भी वैसे ही है जैसे थे, ना जाने क्यों आपने वीडियो में से इंटरेस्ट लूज कर दिया। हो सकता है भाई मुझे थोड़ी कॉमेडी करनी पड़े लोगों की तरह, हो सकता है मुझे थोड़ा झूठ बोलना पड़े लोगों की तरह कि अरे अरे मैंने तो 15 करोड़ जीत लिया, अरे अरे मैंने 15 लाख जीत लिए। भाई साहब टेलीग्राम पर जो टीम आती है ना मैच से पहले, उसके साथ हमारे पॉइंट्स आप कभी भी कंपैरिजन कर लें, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो दुनिया का बेस्ट यूट्यूबर बेस्ट प्रेडिक्टर आपको लग रहा हो, मैच कर लीजिएगा रिजल्ट्स, 10 मैचेस की टीम आप उधर और इधर की कंपेयर कर लो, किसके पॉइंट्स ज्यादा बैठते हैं, किसकी विनेबिलिटी ज्यादा है। खैर अपने मुंह से क्या तारीफ करनी, फैंटेसी टीम दिखा देता हूँ अब आपको, और देर होगी ये बात करते करते। तो फैंटेसी टीम में भाई पहले विकेट कीपर की बात करते हैं, विकेट कीपर आज हमारे कौन है देख लेता हूँ मैं, मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। हाँ, 2 विकेटकीपर हम लेके जा रहे हैं, जॉस बटलर और संजू सैमसन, आपका गुजरात से हो सकता है ड्रॉप हो जाए कौन, बीआर शरत, और उनकी जगह आ जाए कौन, मैथ्यू वेड। अगर मैथ्यू वेड आते हैं तो मोस्ट बिल्कुल ऑब्वियसली ही विल बी अवर पिक, हम उनको जरूर पिक करेंगे, जरूर टीम में रखेंगे, ठीक है। बाकी अभी के लिए बटलर और सैमसन रहेंगे, और बटलर हमारे कैप्टन भी रहेंगे। बटलर इस टाइप ऑफ बैटर दीज डेज की भाई अगर एक बड़ी पारी खेलेगी तो लगातार बड़ी पारी खेलेगा, कम से कम 3 बड़ी पारियां बटलर के बल्ले से लगातार आने वाली है, इसलिए बटलर यहाँ रहेंगे हमारे कैप्टन। 3 यहाँ पे मैं लेके जा रहा हूँ बैटर, जिसमें सोमन गिल है, साई सुदर्शन है, और है कौन, यशस्वी जायसवाल। लोग यशस्वी के बारे में क्या सोचते हैं आई डोंट केयर, बंदा बढ़िया करके दिखाएगा आपको इस मैच में, उम्मीद है पूरी पूरी मुझे। वाइस कैप्टन सुमन गिल को मैं बना रहा हूँ, क्योंकि पिच में कोई डेमोन्स होने वाले हैं नहीं, ना तो पेसर्स के लिए कोई खास मदद रहेगी, ना स्पिन के लिए रहेगी, तो फिर डरना क्यों, फिर तो गिल बना ही देगा पक्का 60-70, तो गिल को वाइस कैप्टन बना रहा हूँ। ऑलराउंडर्स में लकीली रियान पराग हमें मिल गए, लकीली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई सॉलिड ऑलराउंड ऑप्शन था नहीं, तो रियान पराग हमारा वो वाला सेक्शन पूरा करा दे रहे हैं, अगर एज ए बैटर होते तो भी हमको लेने पड़ते, ठीक है। उससे फायदा हमें ये हुआ कि 5 गेंदबाज मिल गए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बैटिंग विकेट टेकिंग एबिलिटीज के साथ मैं जा रहा हूँ। मोहित शर्मा को मैंने ले लिया है मैंने राशिद खान को, मन में मेरे ये भी है कि राशिद की जगह दर्शन नलकंडे ले लूँ, लेकिन ये कब लूंगा तो उसके बाद डिसाइड करूंगा टेलीग्राम पे, इसीलिए आपका जुड़ना आवश्यक है। और राजस्थान से 3 मेन गेंदबाज जो मैंने की प्लेयर्स में बताए थे, चहल, बोल्ट और बर्गर को मैंने ले लिया है। बोल्ट की जगह भी आप कोई और पिक अगर आपको ठीक लगे प्लेइंग 11 आने के बाद तो कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल पॉसिबिलिटी मुझे ये लग रही है कि गुजरात के प्लेइंग 11 में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। सम्मन लाइक अभिनव मनोहर अगर टीम में आते हैं और 5 पे खेलते हैं तो ग्रैंड लीग में आपके लिए बहुत बढ़िया चॉइस हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, दर्शन नलकंडे को जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अगर गुजरात पहले बॉलिंग करता है तो 2 ओवर मोहित शर्मा के साथ जो बॉलर डेथ में डालेगा वो दर्शन नलकंडे ही होगा, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी कोई अगर आपका सवाल हो तो वो ऑब्वियसली कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको हौसला अफजाई करनी हो, हौसला बोल रहा हूँ देखो, हौसला अफजाई अगर करनी हो तो वो भी कमेंट में कर सकते हैं, प्यार दे सकते हैं। और मेरा प्यार तो आप सबके साथ हमेशा से है ही। आज नवरात्रे शुरू हुए हैं, माता रानी के नवरात्रों का पहला दिन है, कुछ वजहों से इस बार नवरात्रे व्रत नहीं है, मेरे माथे पे टीका नहीं है, मेरा माथा सोना आपको दिखाई दे रहा होगा, इस चीज़ का बड़ा मुझे अफसोस है। माफ़ी के साथ माता रानी से मैं कहूँगा, भैया जोर से बोलो जय माता दी।